जन्नत, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। आज संडे है, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं आज अपना संडे आप सबके साथ स्पेंड करने वाली हूँ। मतलब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ। सो अभी मैं रेडी हूँ और मैं निकलने लगी हूँ गुरुद्वारे के लिए और मैं आपको अब सीधा मिलूंगी गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में मैं ज्यादा शूट नहीं करूंगी बट थोड़े बहुत आपके लिए फोटेज लेके और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संडे मैंने कैसे स्पेंड किया। आज के आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो बने रहिए आगे के वीडियो के लिए। और अब मैं निकल रही हूँ और यहाँ हम निकल लिए गुरुद्वारे जाने को। काफी दिनों बाद इस रोड पर निकली तो देखा काफी ही प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई थी दीवार पे, बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने कैप्चर कर ली। और अब हम गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको अंदर जाके मिलती हूँ। और ये मैं पाठ सुनकर आ गई अब सरोवर पर मत्था टेकने। मुझे जितना गुरुद्वारे में कीर्तन और पाठ सुनकर रिलैक्स फील होता है ना, इतना मुझे किसी म्यूजिक किसी मेडिटेशन ट्यून में नहीं फील होता। इतना नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है ना कि मुझे लगता ही नहीं है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। और ये मिल गया मुझे मेरा प्रसाद। चाहे कोई भी मिठाई खा लो, कुछ भी खा लो, बट इसका मुकाबला कोई नहीं। और ये रहा निशान साहब, आप सभी मत्था टेक लीजिए। और अब हम चल दिए अपने घर को वापस। और ये है मेरा घर, फाइनली वी आर एट होम। मैं आ चुकी हूँ वापस गुरुद्वारे से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है। अभी होपफुली मैं दोबारा बाहर जाऊंगी और बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो गए। मैंने गुरुद्वारे के ज्यादा अंदर के शॉट नहीं लिए क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ तो अपना 100% टाइम मैं गुरुद्वारे में ही दूं और मैं वहां पर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जाती हूँ। सो वहां पर मत्था टेका, थोड़ी देर सुना पाठ और उसके बाद हाँ मैंने स्ट्रोवर के टाइम पे थोड़े से शॉट लिए हैं, थोड़े थोड़े जो जो मैं आपको दिखा सकती थी, बट अंदर का जो मत्था टेकने वाली जगह होती है वहां पर मैंने कोई शॉट नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत दिखा सकती थी वो दिखाया। तो मेरा संडे का फर्स्ट चीज हुआ कि मैं सुबह उठी, नहाई धोई, मम्मा के साथ थोड़ा सा काम कराया, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं गई गुरुद्वारे। और मैं गुरुद्वारे से आ चुकी हूँ तो देखते हैं अब मैं क्या करती हूँ। जो भी मैं करूंगी मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूंगी, तो आप व्लॉग में बने रहना। मैं रिलैक्स होके बैठ चुकी हूँ और जस्ट अभी मेरे को लेंस कार्ड से कॉल आया है कि मेरा आई चेकअप आज का बुक था तो वो आ रहे हैं। और ये आई चेकअप मैं लास्ट 3 दिन से डिले कर रही थी, डेली उसको रीस्केड्यूल करवा रही थी कि कल हो जाए। मैंने इनकी बुकिंग करवाए को 3 दिन हो गए और उस दिन से लेके आज तक मेरा डेली ये रीस्केड्यूल हो रहा था ड्यू टू माय हेक्टिक स्केड्यूल। सो आज फाइनली मेरा आई चेकअप हो जाएगा। बहुत टाइम से ये ड्यू चल रहा था मेरा। इससे पहले मैंने अभी न्यू स्पेक्स बनवाया था बट वो स्पेक्स बनवाने में मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया और मैंने आई चेकअप भी नहीं करवा रखा था काफी टाइम से, तो उसी के फ्रेम लेंसेज वगैरह न्यू मतलब फ्रेम न्यू बनवाया था। तो सोचा चलो ये इतना टाइम से ड्यू चल रहा है आज ये भी कर लिया जाए। संडे का टाइम है, रोज रोज टाइम नहीं मिलता और अगर मैं वीक डेज में प्लान करूं तो वीक डेज में मुझे नहीं पता होता कि मैं घर टाइम से आ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इनका जो स्लॉट टाइमिंग होती है ना, मॉर्निंग की जो टाइमिंग होती है उस टाइम मैं ऑफिस होती हूँ और ऑफिस में ऑब्वियसली मैं नहीं टेस्ट करवा सकती, और जो इवनिंग का होता है उस टाइम भी मैं ऑफिस होती हूँ। घर आने में देर सवेर हो ही जाती है, जरूरी नहीं है मैं सेम टाइम पे पहुंच सकूं। तो 7 बजे तक आना मेरे लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेट हो जाती हूँ या कुछ भी है, तो इसलिए रीस्केड्यूल हो रहा था। सो आज फाइनली वो भैया आ रहे हैं, उनके साथ अभी मैंने लोकेशन शेयर किया है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे तो अब मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, यहाँ पर मेरा कजन आया हुआ था, मम्मी और मेरा कजन दोनों मस्तियां मारने लगे हुए थे। गली में शक्करकंदी वाला भैया आया था तो मम्मी और भाई दोनों को खानी थी तो मैं नीचे लेने चली गई और भैया ने बहुत ही टेम्पटिंग सी बना रखी थी बट मैं नहीं खा सकती तो मैंने नहीं खाई। और इतनी देर में लेंस कार्ट वाले भैया भी आ गए मेरा आई चेकअप करने के लिए, तो वो इतनी देर यहाँ पर सेटअप वगैरह कर रहे थे और मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे आई टेस्ट से रिलेटेड। काफ़ी अच्छे से इन्होंने किया, बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे, बहुत ही पेशेंस से इन्होंने मेरा आई टेस्ट किया और यहाँ पर इन्होंने मुझे आई टेस्ट क्लासेस दिए तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, बहुत देर हो गई थी, लेंस कार्ड से आए थे, मेरा आई टेस्ट करके जा चुके हैं
उसके बाद अब मैं इवनिंग की तैयारी करने लगी हूँ। आज संडे है तो इवनिंग में हमारे घर कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही बनता है, चाहे वो कुछ फ्राइड हो या फिर कुछ भी स्नैक्स टाइप का हो। सो आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी स्नैक्स। और तंदूरी स्नैक्स में मैं क्या बना रही हूँ, मेरी स्नैक्स में होगा मशरूम, चाप, पनीर, और इसके अलावा अगर कुछ और वेजिटेबल या नॉन वेज ऐड हो जाए तो वो अलग बात है। सो अभी तक का मेन्यू यही है और मैंने उसके लिए सामान इकट्ठा कर लिया है और मैं लगी हूँ उसको मैरिनेट करने। मैरिनेट करने से पहले मैं उसको बॉईल करूंगी, जो भी करूंगी मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ले ली मशरूम, मशरूम वॉश करूंगी पहले, काफी मिट्टी मिट्टी लगी होती है क्योंकि इन पे ना। तो ये मशरूम, इसमें चाप है मेरी, और ये मैंने कुछ मसाला मंगाए हैं, मैगी मसाला, मतलब ये एक्स्ट्रा लगता है अगर आप इसको डाल दो ना मैरिनेशन के टाइम पे तो फ्लेवर नेक्स्ट लेवल आता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, अब लगी हूँ स्टार्ट करने और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी अब मैं क्या करूंगी और क्या नहीं, कैसे करूंगी, क्या स्टेप रहेंगे। सो सबसे पहले इसको वॉश कर लेते हैं और वॉश करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मशरूम्स को सबसे पहले मैंने रनिंग वाटर के नीचे ले लिया और अच्छे से इसे वॉश कर दिया। एक हाथ से करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो मैंने कैमरा बंद कर करके किया। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसे पतीले में डाला, पतीले में हल्दी और नमक साथ में डाला और मशरूम के साथ ही मैंने चाप डाल दी थी क्योंकि दोनों चीज़ों को सेम चीज़ मतलब सेम तरह से उबलने की ज़रूरत होती है। तो इसको फुल फ्लेम पर रख दिया और मैंने इसे ढक के रख दिया है, फुल फ्लेम है। और बीच में अब मैंने चेक किया तो ये हो चुके थे बॉयल, तो मैंने गैस बंद कर दी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने में मैंने निकाल लिया अपनी बड़े से थाल में, पराग कहते हैं हम लोग, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, इसमें निकाल लिया मैंने। और इसके बाद मैंने इसको छानी में डाला, छानी में डालते हुए मैंने नीचे एक पतीला रख दिया था क्योंकि मुझे इसको रनिंग वाटर के नीचे एक बार दोबारा करना था ठंडे पानी के अंदर, जिससे इसमें स्मेल ना रह जाए क्योंकि स्मेल रह जाती है समटाइम। इसके बाद मैंने मैरिनेशन स्टार्ट किया और मैरिनेशन के लिए मैंने दही लिया और सबसे पहले मैंने पनीर और मशरूम को अलग कर लिया था और चाप को अलग कर लिया था जिससे दोनों अलग अलग रहे और पानी उनका निकल जाए। उसके बाद मैंने मसाले कोई ज़्यादा नहीं डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, यही सब यूज़ किया है मैंने। और मैंने किस तरीके से यूज़ किया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। मैंने इसमें गलती कर दी, मैंने दही के साथ पहले नमक डाल दिया, आप नमक एंड में डालिएगा वरना नमक पानी छोड़ देता है। तो मैंने 8 मेंबर्स के हिसाब से ये सामान लिया था तो उस हिसाब से मैंने नमक डाला और मैरिनेट करना था तो मैंने 4 स्पून नमक डाला है इसमें। फिर इसमें गरम मसाला डाला, गरम मसाला मैंने अराउंड 2 स्पून डाले थे, ये देखिए आप आधे आधे से हैं तो इसलिए 2 स्पून आप डाल सकते हैं, मैंने बाद में क्योंकि ऐड ऑन किया था। और हल्दी डालनी ना डालनी आपकी मर्ज़ी है, मैंने बिल्कुल पिंच ऑफ डाली थी। उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स किया और फिर थोड़ा सा इसमें मैंने डाला 2 पैकेट जिंजर और गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं बट मुझे ये पैकेट वाला ठीक रहता है क्योंकि इक्वल क्वांटिटी रहती है इसकी ना, और क्वांटिटी का मुझे आइडिया रहता है, मैं क्योंकि इतनी परफेक्ट कुक नहीं हूँ। तो 2 पैकेट इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले अच्छे से और इसको मैंने साथ के साथ ना थोड़ा थोड़ा विस्क कर लिया था जिससे लम्स किसी भी चीज़ के ना पड़े, वैसे इसके लम्स नहीं पड़ते हैं। और उसके बाद फिर आप ऐड करेंगे इसमें ये मैगी का मसाला, मैंने इसके मैगी मसाला के 2 पाउचेस डाले थे, आप चाहे तो इसमें 2 से ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा मैगी मसाला कम लगा था 2 पाउचेस का। आप चाहें अगर 8 मेंबर्स के लिए बना रहे हैं तो 3 पैकेट मैगी मसाला डाल सकते हैं। इसमें फिर मैंने डाला रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच और फिर मैंने डाला ब्लैक पेपर और फिर कस्तूरी मेथी, हाथ से मसल के अच्छी तरह, मैंने दोनों हाथों से मसली थी, कैमरा एक हाथ में था तो एक हाथ से आपको दिखाया। फिर मैंने इसको पेस्ट को विस्क कर लिया और सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथ पूरे मैसी हो चुके थे और फिर मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में वाला आर के लिए छोड़ दिया। तो मैं आ चुकी हूँ थक हार के अपने रूम में वापस, किचन से सब कुछ मैरिनेट मुरिनेट करके रख दिया है, वो 1 आवर तक मैरिनेट रहेगा। मैंने जैसे कि बताया था आपको, पनीर और मशरूम को मैं अलग से मैरिनेट करती हूँ और चाप को अलग से करती हूँ क्योंकि पनीर और मशरूम बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, अगर हम उसको चाप के साथ ही करेंगे तो क्या होता है ना, चाप का साइज बड़ा होता है, या तो पीसीस कर रखे हो, लेकिन स्टिल जहाँ ये तीनों चीजें डेलिकेट सी होती है
तो क्या होता है ना, पनीर कुछ ज्यादा डेलिकेट होता है और मशरूम भी बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है बॉयल होने के बाद। तो क्या होता है कि अगर मैं इन सबको साथ में घोलना शुरू कर दूंगी ना बैटर को, तो पनीर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पिघलना सा शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो बिल्कुल ही भुरना शुरू हो जाता है। और मशरूम का भी यही हाल है, वो टूटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं मशरूम और पनीर एक साथ करती हूँ और चाप अलग से करती हूँ। तो मैंने वही चीज की, पहले मशरूम और पनीर को कर लिया, फिर चाप चाप कर ली और फिर उसके ऊपर मैंने बैटर डाल दिया। 1 आवर के लिए वो फ्रिज में रहेगा। फ्रिज में रहने के बाद मैं उसको 1 आवर तक निकालूंगी। और मैं एग्जैक्ट 1 आवर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितने अच्छे से वो मैरिनेट होगा ना, जितनी देर तक वो मैरिनेट रहेगा, जब मैं उसको कुक करूंगी ना तंदूर में, तब उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। और मैं इसको इलेक्ट्रिक तंदूर में करने वाली हूँ, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रहती हूँ। क्योंकि नॉर्मल अगर हम वो प्रॉपर ऑथेंटिक तंदूर में अगर हम करें, तो उसमें फ्लेवर बिल्कुल अलग आते हैं, क्योंकि वो आग में तपता है और वो वुड और कोल वगैरह का टेस्ट होता है ना, उसके धुएं से, आंच से जो पकता है। ये इलेक्ट्रिक वाले में मैं पकाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये सब चीजें ऑथेंटिक वाले में नहीं बनानी आती है। हमारे घर में ऑथेंटिक वाला भी तंदूर है, जिससे मैं दिन के टाइम में अगर छत पे गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक वाले में बना रही हूँ और इसके लिए मैं इतना ही करती हूँ कि भाई 1 आवर तक उसको अच्छे से पका, वो मैरिनेट कर लो। उसके बाद जब पकाऊंगी तो उसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। और या तो अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूंगी बैठ के, क्योंकि काफी देर खड़ी रही हूँ, और रिलैक्स करूंगी, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाऊंगी, और अगर इन बिटवीन कुछ करती हूँ, कहीं आती जाती हूँ, देन आई विल लेट यू नो। यहाँ मैंने लगा दिया अपने तंदूर को प्री हीट होने के लिए। प्री हीट हो जाता है तो खाना अच्छे से पक जाता है। और मैंने 15 मिनट्स के प्री हीट पे लगाया और ये मैं बैटर निकाला ही, सारा अपना मैरिनेट वाला सामान निकाल ली। मैं फर्श पे बैठ के तसल्ली से बनाती हूँ। और ये मेरे कटे हुए वेजीज और बटर, बटर को मेरे को मेल्ट करना था तो वो मैंने मम्मा को दे दिया कि मेल्ट कर लाएंगे। और उसके बाद मैंने इस तरीके से हर एक स्टिक में इस तरीके से लगा लिया था और बहुत ही टेम्पटिंग सा बना था, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग था। मैं पिक लेना भूल गई थी तो ये मैंने लास्ट में पिक ली थी। Hey, I'm back with my tired face. बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम। मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बट आज सच में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। खाना पीना खा लिया है, डिनर हो चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया। ज्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं बना रही थी और थोड़ा सा डर रहता है कि हाथ ही ना जल जाए। और कुछ मुझे सब कुछ खाना भी नहीं था उसमें से। प्लीज पीछे की आवाज को अवॉइड कीजिएगा, क्लीनिंग वगैरह चल रही है, सभी भी खाना खा के हटे हैं, तो देसी फैमिली शोर शना चलता रहता है मेरी फैमिली में सारा टाइम ऐसे ही। तो यहाँ हो चुका आज का दिन खत्म। इससे बज रहे 9:30 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज के ब्लॉग को एंड। आई होप मेरा फर्स्ट ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। व्लॉग कहते हैं या वीलॉग कहते हैं, आई रियली डोंट नो। तो जो भी कहते हो मुझे बता देना, मैं सीख लूंगी आप लोगों से। सो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा ये व्लॉग या वीलॉग आपको अच्छा लगा हो। और अगर मेरा संडे आपको अच्छा लगा कि मैं कैसे संडे अपना स्पेंड करती हूँ, संडे नहीं, कई बार जब भी मेरी मेरा ऑफ होता है, ऑफिस नहीं जाना होता है, मैं घर पे होती हूँ, तो मेरे डेज इसी तरह से जाते हैं यूजुअली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।